हेलो गाइस, हुंडई की इलाइट आई ट्वेंटी है, 2016 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। इसका कूलिंग कॉइल लीकेज हो गया है, तो हम इसके लिए इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं। डैशबोर्ड खोल के हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे क्या क्या खोलना पड़ता है। सबसे पहले एक कंसोल बॉक्स खोलना पड़ेगा, फिर ग्लो बॉक्स खोलना पड़ेगा, फिर साइड पैनल खोलना पड़ेगा, वो साइड पैनल खोलना पड़ेगा, स्टेयरिंग के नीचे जो ये दिया है वो खोलना पड़ेगा। सब खोल के हम आपको दिखाएंगे। पहले हम इसका बैटरी का वायर निकाल देंगे। बैटरी का वायर निकाल के फिर हम ये कंसोल बॉक्स खोलते हैं। खोलना स्टार्ट। बैटरी का वायर हमने निकाल दिया। अब ये जो बॉक्स के अंदर, जो कंसोल बॉक्स के अंदर जो 10 नंबर दिए रहते हैं, ये 10 नंबर दिए हुए रहते हैं, ये दो रहते हैं यहाँ। मैंने इसको खोल दिया। खोलने के बाद ये इजीली ऊपर आ जाता है, आप देख रहे हैं। उसके बाद आगे जो यहाँ दिया है, ये गियर के ऊपर नुक्कड़ का कवर, ये इजीली खुल जाता है। उसके बाद इसको ये रहता है, इसको चार्जर का सॉकेट वगैरह, ये इजीली निकल जाता है। इसमें दो सॉकेट रहती है, ये दो सॉकेट निकाल देने का, ये सॉकेट मैंने निकाल दिया और ये इजीली ऊपर आ रहा है। आप देख रहे हैं पूरा नीचे ऊपर आ रहा है। हम इसको निकाल के फिर आपको दिखा रहे हैं। ये जो एक स्क्रू ये और एक स्क्रू ये, दोनों स्क्रू खोलना पड़ेगा आपको। खोल के हम इसको निकाल के दिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कंसोल बॉक्स पूरा निकल चुका है, और कंसोल बॉक्स मैं पीछे रख दिया हूँ, इधर है कंसोल बॉक्स, ये निकल गया है। और ये पीछे रियर एसी का जो वेंट निकाला है, यहाँ से फाइबर निकाल के पीछे लेके गया है, फिर हम इसको भी निकाल देंगे। ये जो क्लिप दिख रही है, एक वेंट में एक इधर, दो यानी ये फाइबर में जो क्लिप दिया है पीछे हवा आने के लिए, जो नल्ला बैठा है उसको खोलने के लिए दो क्लिप दिया है, ये दोनों क्लिप निकाल देंगे। आप देख रहे हैं ये दोनों क्लिप निकाल दिया और ये इजीली निकल जाता है। जैसे गियर बॉक्स इधर लेने का, और ये इजीली पूरा बाहर आ जाता है। इसको हम पीछे रख देते हैं। अब उसके बाद आती है गियर बॉक्स को पलटी मारना पड़ेगा। ये जो 12 नंबर दिया है, एक दो तीन और एक इधर चार, चारों खोल के हम इसको गियर बॉक्स को पलटी मार देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक दो, एक ये तीन, एक ये चारों हमने खोल दिया। और इसको खोल के सीट ये पीछे ले लेते, थोड़ा पूरा पीछे ही है, इसको पलटी मार देते इधर आराम से। इसको ये फिक्स कर दिया। और ये जो दो सॉकेट रहती है एयरबैग की, एयरबैग मॉड्यूल की, ये दोनों सॉकेट निकाल देने का। ये प्रेस है, इसको क्लिप इसको ऐसा प्रेस करके ऐसा निकाल देने का, ये निकल गया। और ये भी वैसा ही है, इसको यहाँ से दबाने का, थोड़ा यहाँ से दबाने का, ये इजीली निकल जाता है, ये निकल गया। अब हम सबसे पहले ये फ्यूज बॉक्स के पास का जो कवर है ये खोलेंगे, और इसके अंदर जो 10 नंबर दो दिया है उसको खोल देते हैं। ये दोनों 10 नंबर मैंने खोल दिया। उसके बाद यहाँ पे दो स्क्रू एक केबल में लगा रहता है, दो स्क्रू वो खोल देने का, एक स्क्रू इधर रहता है और दो स्क्रू इसके अंदर रहेगा। तो ये सबसे पहले इसको निकालने का, एक माइनस वाली स्क्रू ड्रॉ लेने का, इसको ऐसे करके बाहर साइड खींचने का, ये इजीली पूरा निकल गया। ये स्क्रू खोल देने का, ये इजीली खुल जाता है। उसके बाद ये वाला खोलने का, यहाँ दिया है, ये खोलने के बाद, ये खोलने के बाद इजीली इसको खींचेंगे आप अपने तरफ तो निकल जाएगा। ये इजीली जैसा निकल गया, इसमें दो सॉकेट दिया है, एक हेडलाइट अप डाउन का दिया है, ये दोनों सॉकेट निकाल देने का। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दोनों सॉकेट मैंने निकाल दिया और ये पूरा सब दिख रहा है, फ्यूज बॉक्स वगैरह दिख रहा है सब। फिर इस साइड भी वैसे ही खोलना पड़ेगा आपको, जैसे इस साइड खोला था ये खोल। जैसा कि आपने देखा, ये सब शुरू खोल गया, ये पैनल आराम से निकल गया। ये 10 नंबर खोलने का, उसके बाद ये वाली 10 नंबर खोलने का, और ये 12 नंबर रहता है, एक यहाँ रहता है एक यहाँ रहता है, ये भी खोल डालने का। उसके बाद ये जो दो सॉकेट रहती है फ्यूज बॉक्स की, फ्यूज बॉक्स में लगा हुआ जो रहता है, इसको प्रेस करके ऐसा इजीली ये निकल जाता है। इसको भी वैसे ही निकालने का, ये भी सॉकेट निकल चुका है। उसके बाद ये वाली सॉकेट है, ये भी सॉकेट निकल चुका अपना, और नीचे दो सॉकेट रहती है, ये दो सॉकेट निकाल देने का। उसके बाद ये पावर स्टेयरिंग का, इसको निकाल देने का। और यहाँ स्टेयरिंग रैक को नीचे रैक के पास के ज्वाइंट के पास से ही निकाल देने का, इसको ये इजीली निकल जाता है। उसके बाद
एक 10 नंबर यहाँ रहता है, ये भी खोल देने का। इसके बाद पैसेंजर साइड एक सॉकेट ये रहती है, और ये बीसीएम की सॉकेट जो रहती है, बीसीएम की सॉकेट दिखा देता हूँ आपको। ये तीनों सॉकेट यहाँ का निकाल देने का, तीनों के तीनों सॉकेट निकाल देने का, इसको अलग कर देने का। और इस साइड भी एक 10 नंबर यहाँ रहता है, एक 10 नंबर यहाँ रहता है, ये खोल देने का। और ये वाली सॉकेट भी खोल देने का, ये सॉकेट आराम से इजीली खुल जाता है। ये पैनल भी खोल देने का। जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी की सब कुछ खुल चुकी है, लगभग डैशबोर्ड खोलने के लिए हर एक चीज खुल चुका है, और मैंने आपको बता दिया क्या क्या खोलना पड़ेगा। उसके बाद हम बाहर एक सॉकेट इधर भूल गया हूँ, ये वाली सॉकेट खोलना पड़ेगा आपको। ये सॉकेट भी खुल चुका और इधर लॉक रहती है, उसको निकाल देने का। लगभग सब कुछ खुल चुका है, अब हम इसका क्या करेंगे, बाहर जाके खोलेंगे। बाहर क्या है, कॉल पैनल वगैरह है, कॉल पैनल को खोलेंगे, वाइपर वगैरह खोल के फिर आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं एक वाइपर ये और ये कॉल पैनल पूरा खोल के, उसके बाद कूलिंग कॉइल के एक्सपेंशन वाल के पास का ज्वाइंट और हीटर पाइप दोनों खोल के फिर हम आपको। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, मैंने ये निकाल चुका, ये 12 नंबर, ये कॉल पैनल वगैरह, सबसे पहले वाइपर वगैरह निकाल चुका हूँ, निकाल के इधर रख दिया हूँ। और ये देखो, सबसे पहले 2 12 नंबर ये खोलना पड़ेगा, उसके बाद ये रही कूलिंग कॉइल का पाइपलाइन यानी एक्सपेंशन वाल के पास जो ज्वाइंट है वो खोलना पड़ेगा, उसके बाद ये हीटर का पाइप दोनों खोलना पड़ेगा। ये इजीली नहीं निकलता है, इसको इसका लॉक निकालने के बाद थोड़ा घुमाना पड़ता है, उसके बाद निकलता है। फिर अब हम अंदर देख लेते हैं, अंदर पूरा खुल चुका है सब। अब हम इसको पलटी मारेंगे, पलटी मारने के लिए सबसे पहले बात हम हैंड ब्रेक को नीचे ले लेते हैं, क्योंकि अगर हैंड ब्रेक ऊपर रखेंगे तो ये इसमें डिस्प्ले LED टेप है, म्यूजिक सिस्टम है, तो इसमें स्क्रैच वगैरह कुछ ना है, इसकी वजह से हम हैंड ब्रेक को नीचे ले लेते हैं। और अब हम इसको पलटी मारेंगे, पलटी मार के फिर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात, मैं दो बात और बोलना भूल गया कि यहाँ दो बोल्ट एक 10 नंबर यहाँ जो ये दिख रही है, यहाँ का एक खोलना पड़ेगा, एक ब्लोर के नीचे जो दिया है सपोर्ट के लिए, पहले नहीं आता था, अभी दे रहा है ये, तो ये दोनों खोलना पड़ेगा। चलो हम इसको डैशबोर्ड को पलटी मार के फिर आप, जैसा कि आप देख रहे हैं डैशबोर्ड पूरी खुली है। अब हम इसका कूलिंग कॉइल रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करके इसमें नया डालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ से ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, और हम दूसरा वीडियो इस ये वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा लिंक, और आपको अगर देखना है तो इसके लिंक में जा करके, डिस्क्रिप्शन में जा करके दूसरे वीडियो का लिंक आपको